आप सभी का जिंदगी की रोशनी में स्वागत है। आज हम एक लड़के और एक पत्थर की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया, उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर को और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज की दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी ये क्या हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो कड़ी मेहनत करते रहेगा और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेगा। वो जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हो। वर्ष दे आप खुद पर विश्वास रखें, कभी हार ना मानें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी ना डरें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। धन्यवाद। आशा है कि आप ये कहानी अपने ज़िंदगी में उतारेंगे और अपनी ज़िंदगी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।